सम्पूर्ण जना हाम्रो पत्रकार टिमलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल आइडल 2000 इन्डियन आइडल 2022 का पवनदीप राजा नेपाल आइसक्नु भएको छ र तपाईलाई लागेका मनमा लागेका कुराहरु चाहिँ अब पवनदीप राजालाई सोध्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले सो पवनदीप राजा पवनदीपजीलाई नेपालमा स्वागत छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच र कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई नेपाल ल्यान्ड गर्नुभयो बहुत अच्छा लग रहा है और नेपाल बहुत खूबसूरत है पहली बार काठमाडौं में उतरा मैं और बहुत खूबसूरत लगा र यहाँको के कुरा चाहिँ एकदम अचम्म लागिरहेको छ तपाईलाई अचम्बा ये है कि मैं पहली बार नेपाल आ रहा हूँ और बहुत मन था मेरा यहाँ से आने को हमारे घर से महेंद्र नगर वगैरह पास है काठमांडू आने का मौका नहीं मिला कभी और आज शो करने के लिए पहली बार आने का मौका मिला सर सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं बहुत सारे और नेपाली गाने भी बहुत आते हैं मुझे तो वो भी गाएंगे और हिंदी भी गाएंगे और उतरते ही पहले हमें दर्शन के लिए जाना था भगवान के बट अभी साउंड चेक में जाना है डायरेक्ट तो कल हम लोग जाएंगे तपाईको नेपालमा धेरै फ्यान फलोअर्स हुनुहुन्छ र तपाईलाई इन्डियन आइडल बनाउन यहाँको दर्शकहरुको पनि धेरै हात छ र उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाई सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और नेपाल से भी इतना प्यार मिला तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ नेपाल आया हूँ परफॉर्म करने के लिए और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग खुश हों और मैं गाना गाने की भी पूरी कोशिश करूँगा उसी के लिए आए हैं यहाँ पर और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस कति दिन का लगी बसते हुनुहुन्छ दो दिन के लिए ओनली फॉर टू डेज सो कहाँ कहाँ जाने सोच्नु भएको छ के के गर्ने सोच्नु भएको छ मैनेजमेंट हमारे सूरज सर बताएंगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे करके क्योंकि मैं तो अभी वहाँको स्क्रिन चाहिँ आज खास आज हाम्रो उहाँको फर्स्ट स्टार्टिङमै हाम्रो उहाँ नेपाल आइसकेपछि उहाँको इच्छा चाहिँ नाथेश्वर भगवान् जुन नुवाकोटमा रहेको जुन कपिलास भगवान् थियो उहाँको दर्शन गर्ने इच्छा थियो र त्यो आज उहाँ जुन एयरलाइन्स दुई घन्टा लेट भएको आज उहाँको त्यो कार्यक्रम भएन र त्यो कार्यक्रमलाई भोलि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ र आज उहाँको सो चाहिँ याग्नेदीमा रोटरी क्लब अफ पार्टनर वेस्टको जुन अवार्ड सेरेमनी छ उहाँले आज बेलुका 7 बजे पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ याग्नेदीमा र त्यसपछि भोलि लर्ड अफ जुन्स एलोडी थमेलमा उहाँको 9 बजीबाट उहाँको पर्फर्मेन्स छ र उहाँको पर्फर्मेन्सलाई भोलि चाहिँ पब्लिकले सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यसको लागि टिकट वेट चाहिँ हामीले 2500 र 3000 भिआइपी र टेबल बुकिङहरू भइरहेको छ र अलमोस्ट टिकटहरू चाहिँ लगभग फेल भइसकेको छ थोरै टिकट बाँकी छ म यो मिडिया मार्फत जुन पब्लिकको फ्यानहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँको प्रस्तुति हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एलओडी भोलि 7 बजेबाट डोर ओपन हुन्छ उहाँहरू आउनु सक्नुहुन्छ र विशेष गरी स्टारहरू आउँदाखेरि चाहिँ बाहिरको स्टारहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदम क्राउड हुने गर्छ क्लबहरूमा होइन टिकटको पनि पछि के आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर होइन हाम्रो टिकट सेलिङ चाहिँ हामीले आइएमई पेबाट गरेका छौँ र अहिलेसम्म सबै अनलाइन सेलिङ भइरहेको छ हाम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ उहाँको फ्यान यस्तो फ्यान रहेछ कि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु उहाँलाई अहिले हाम्रो एकदमै वृद्ध 93 वर्षको हाम्रो एउटा अभिभावक बुवा हुनुहुन्छ उहाँलेसम्म जुन पवनदीपको फ्यान भएर उहाँको टिकट लिनुभएको छ र म उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु आपके सोकेले 93 वर्षका जो फादरले उहाँले आफ्ना टिकट खरिद ल्याए उहाँसँगसँगै नेपालको एकदमै म के जान्ने म्याक्सिमम उहाँको फ्यानहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको अलिकति एजेड हुन्छ नि त्यो टिन एज भन्दा पनि हाम्रो मध्य एजको फ्यानहरू बढी हामी भेटाएको छौँ पवनजी हजुरले चाहिँ नेपालीमा बोल्न सक्नुहुन्छ थोरै फ्यु वर्ड्स क्या कुछ बोलो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ मलाई नेपाल मन पर्छ मलाई नेपाल मन पर्छ अरु के नेपाली गीत के नेपाली गीत पनि परफॉर्म गर्नुभएको तिम संग जुनी मर्नी चाहना छ मेरो मा तिमी बिना अधुरो तिमी मा बिना अधुरो मलाई जुनी 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 तिम्रो हुन मन छ फेरी 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 लैला भन्नला हजुरको बाबा र बहिनीले इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको थियो नेपाल घुमे अनि पशुपति पनि घुमे भन्नुभएको थियो हजुरले त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभएको छ वो लोग आए थे मम्मी और पापा आए थे और छोटी बहन आई थी मेरी पशुपतिनाथ घूमने के लिए और मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं थैंक यू सो मच फैमिली मेम्बर्सले के भन्नुभयो नेपाल आउँथ्यो भने चाहिँ कहाँ चाहिँ वो तो कह रहे पूरा घूम के आना अच्छे से नेपाल में और अभी जस्ट 2 महीने पहले वो लोग आए थे तो बहुत खूबसूरत है और
मेरे ताऊजी की मेरी बड़ी मम्मी लोग हैं वो नेपाल से ही हैं सब, तो घर वाला ही रिश्ता है एक तो। थैंक यू। अब कति गुनासो पनि हुन्छ होला, जम्मा दुई दिनको लागि मात्रै आउनु भएको रहेछ, तर दुई दिनमा त नेपाल घुमेर त भइँदैन। सेलेक्टिभ प्लेसेसहरू चाहिँ कहाँ कहाँ जाने इच्छा छ हजुरको? उहाँको भोलिको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो भोलि मर्निङमा उहाँको 6:30 माउन्टेन फ्लाइट छ, त्यसपछि आफ्नो उहाँ पशुपति दर्शन गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि उहाँलाई इन्डियन एम्बेसीमा उहाँको इन्भाइट छ बिहान ब्रेकफास्टको लागि। र पवनजितमा चाहिँ यहाँ देख्दाखेरि कतिजना नेपाली फ्यान फलोवर्सले चाहिँ अरुणितालाई पनि खोज्नुहुन्छ होला, किनकि हजुरहरू दुईजना एकदमै मन परेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिको मिस गर्दै हुनुहुन्छ? अबि वैसे हम लोग सभी लोग साथ में शोज करते हैं, अरुणिता, मैं, दानिश भाई, साइली, और आज मैं अकेले यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहूँगा कि अगली बार वो सभी लोग हम लोग साथ में आए चारों, और उन तीनों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सभी लोगों को। और अभी हम लोग ने US कनाडा साथ में परफॉर्म किया था, तो इस बार नेपाल अकेला आया हूँ, अगली बार चाहूँगा कि आप सभी लोग उनको भी बुलाएं और हम सब साथ में आए। अरुणिता के संग दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी, और अभी लव के लिए टाइम नहीं है सर, अभी काम कर रहे हैं, अभी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, लव कहाँ कर पाएंगे, तो सो सॉरी। और जब भी अगर कुछ ऐसा होगा तो पता ही चल जाएगा ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। नेपाल नेपाल को युवतीहरु चाहिँ कतिको मन पर्छ नि तपाईलाई? क्या क्या दोबारा पूछिए? नेपाल को लेडीजहरु चाहिँ कतिको मन पर्छ? हां, नेपाल में लेडीज मैंने अभी देखे नहीं, अभी ऐसे तो अभी मतलब मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है सर कुछ इतना। ज्वाइन बनना मन छ तपाईलाई नेपाल को ज्वाइन बन्न? सन इन लॉ? अरे नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ मैंने इतना सोचा नहीं है, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी अभी 7-8 साल तो म्यूजिक ही करना है बस, 8 साल बाद आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ओके, एट लास्ट क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट तपाईको प्रोग्रामको लागि। र केही समय अगाडि तपाईहरुको एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तो आएको थियो, कसरी सल्व गर्नुभयो त्यो कन्ट्रोभर्सीलाई? कन्ट्रोभर्सी मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कुछ, मैं कहता हूँ आप कह रहे हो, मैं सोया रहता हूँ, अब मैं सोया रहता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि आप कुछ कह रहे हैं, तो वो निकल जाती है कंट्रोवर्सी। मतलब मेरे को तो ऐसा पता नहीं है कुछ, और बाकी कंट्रोवर्सी क्या होती है ये भी नहीं पता, बस मैं तो गाना गाने का काम है, गा देते हैं और अपना काम हो जाता है। एंड लास्टली एलओटीमा हजुर परफॉर्म गर्दै हुनुहुन्छ, सो कति जना आउँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई भेट्नलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैम मेरे को तो अंदाजा नहीं है कितने लोग आने वाले हैं, सर लोगों को पता होगा, बट एकदमै धेरै। थैंक यू सो मच, बस कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से कर पाऊँ ये शो। एट लास्ट तपाईको फेभरेट सङ जुन तपाईलाई स्टेजमा परफर्म गर्दा एकदम मन पर्छ त्यो गीत गाइदिनुहुन्छ? बहुत सारे सङ्ग्स हैं, शायद है, तेरी मिट्टी है, और बहुत सारे, मतलब पूरी अच्छी लिस्ट बना के आया हूँ मैं, कल आप लोग सुनेंगे। वन लास्ट सॉन्ग ये, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो। थैंक यू, हामी सबै जना तपाईसँग फोटो खिच्न चाहन्छौं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बार आया मैं तो, बहुत खूबसूरत है सर। Thank you.
bye bye. See you tomorrow. Bye, all the very best. Down, 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 down.